क्वेश्चन है। आज हम इसी क्वेश्चन को तीन तरीकों से करेंगे, डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस वाला क्वेश्चन को हमको एट से डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमने पहले एट की टेबल लिख ली। एट वन ज़ार एट, एट टू ज़ार सिक्सटीन, बच्चों साथ में बोलो, एट थ्री ज़ार 24, 8 4 8 4 8 5 40, 8 6 8 7 8 8 8 9 10 18 9 10 18 18 तो नहीं आता, तो नहीं आता, लेकिन हम उसका सबसे छोटा देखना है, बड़ा नहीं देखना। तो 28 से छोटा कौन सा? 24 और कितने टाइम्स में आ रहा है? 3 times 8 3 24 माइनस करेंगे कितना आएगा? आएगा 4। नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले लेंगे, एज़ इट इज 46। अब फिर देखेंगे 8 की टेबल में 46 आता है? नहीं आता, लेकिन इससे हमको छोटी डिजिट देखनी है, 40। तो 8 5 ज़ार 40, फिर माइनस करेंगे 6 4 को एज इट इज नीचे ले आएंगे 64। अब 8 की टेबल में 64 आता है? यस। कितने टाइम्स? 8 बार। ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जो ये हमारा 358 आंसर आया, अब इसी आंसर से हम क्वेश्चन निकालते हैं, देखिए कैसे मैजिक होएगा। 358 को हम लिखेंगे कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको ऐड करें, अब 8 की टेबल तो यहाँ लिखी हुई है, तो 8 8 ज़ार 64, 6 ऊपर गया, 5 8 ज़ार 40, और 40 में 6 ऐड करेंगे तो 46, 4 ऊपर गया। 3 की टेबल भी सबको आती है, तो 3 1 3 3 2 6 3 9 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, 24 में हम 4 ऐड करेंगे 28। देखिए ये सेम आंसर आ रहा है। अब इसी आंसर को हम एक और तरीके से निकालेंगे, मतलब हम आंसर से निकाल रहे हैं, क्वेश्चन रिवर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से निकालेंगे, देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 358। हम डिवाइड किससे कर रहे थे? 8 से। 8 की टेबल हमारे पास लिखी हुई है ऑलरेडी, 8 8 ज़ार 64 6 ऊपर गया 8 5 ज़ार 30 सॉरी 8 5 ज़ार 40, 40 में 6 ऐड किया 46, 4 ऊपर गया, 8 3 ज़ार 24 24 में 4 ऐड किया 28। देख लीजिए सेम क्वेश्चन, ये भी सेम और ये भी सेम, मतलब लॉजिकली हमारा ये आंसर निकल रहा है कि हम एक क्वेश्चन मैथ्स के अंदर क्वेश्चन से आंसर भी बना सकते हैं, आंसर से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। रूल्स सेम रहते हैं, बस तरीके अलग अलग होते हैं, बट इससे मतलब आपको तीन चीज़ सीखने एक साथ मिल रही है। तो माय फ्रेंड्स, आप ऐसे मेरी वीडियो देखते रहें, मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।